पूर्व पर्यटन मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने एक बार फिर से पूर्व सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने 5 सालों तक जिला कांगड़ा के साथ पूरा भेदभाव किया और पूर्व मुख्यमंत्री ने निचले क्षेत्रों के लिए बजट का सही आवंटन नहीं किया। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर निचले क्षेत्रों के साथ भेदभाव हुआ है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भेदभाव के कारण यहाँ के लोगों का विकास भी नहीं करा पाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों के प्रति व्यक्ति आय पिछले साल 1,58,406 थी। उन्होंने वित्त विभाग से पूछा कि हर जिला में प्रति व्यक्ति आय क्या है और इसका जवाब जनता जानना चाहती है। मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने कहा कि प्रदेश का सबसे बड़ा जिला होने के बावजूद यहां सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है। इसका मतलब ये है कि पूर्व की सरकार ने जिला के विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और यहां के लिए बजट का सही आवंटन नहीं हुआ। उन्होंने भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग करते हुए कहा कि मौजूदा समय में निचले क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा सार्वजनिक करें। मनकोटिया ने कहा कि विपक्ष में जो कांग्रेस के विधायक हैं, वे इस मामले पर बजट सत्र के दौरान कोई भी सवाल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस विधायकों से भी निवेदन किया कि वे निचले क्षेत्र के जिले और वहां के लोगों के प्रति व्यक्ति आय को लेकर सरकार से प्रश्न करें। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा है कि हिमाचल के निचले क्षेत्रों का जो पानी बाहरी राज्यों में जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ खेती कम हुई है। उन्होंने सरकार को याद दिलाया कि अगर इन क्षेत्रों की खेती बाड़ी को सुधारने के लिए अगर कुछ नहीं किया गया तो यहाँ के युवा आंदोलन पर उतारू होंगे। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ने जो बजट पेश किया है उसमें निचले क्षेत्र में खेती की व्यवस्था सुधारने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ी है। मनकोटिया ने कहा कि प्रदेश सरकार में जो नौकरियां निकलती हैं तो उसमें निचले क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा का विकास 70 साल में नहीं हो पाया है। मनकोटिया ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस प्रथा को तोड़ेंगे और जिला कांगड़ा का विकास करवाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि जिला के युवाओं के लिए सेना भर्ती में कोटा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से आवाज उठाएं। आज मैंने जो विषय उठाए हैं ये पत्रकार सम्मेलन में, वो 2-3 विषय जो चिंता के विषय बन चुके हैं हमारे लिए, विशेषकर हम जो निचले क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए। कांगड़ा का तो बहुत ज्यादा ही है कि पिछले 5 साल जो है ये झूठा आश्वासन देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कहते गए कि कोई भेदभाव की नीति नहीं है, समान विकास होगा और सबको जो है मौका दिया जाएगा आगे बढ़ने का, रोजगार का। लेकिन एक बात जो मैंने पकड़ी, ये जो वर्तमान बजट प्रस्तुत किया है नए मुख्यमंत्री हमारे ठाकुर जी ने, इसमें एक दिन पहले जो इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे की जानकारी वहां अंदर सदन में दी, विधानसभा में दी, उसके मुताबिक मैं देख रहा था कि जो पर कैपिटा इनकम दिखाई है इन्होंने, प्रति व्यक्ति आय हिमाचल प्रदेश की, वो तो लगभग 1,60,000 रुपया प्रति व्यक्ति पड़ती है औसतन। लेकिन मैंने पहले भी पूछा था, कोई 2-3 साल पहले, विधानसभा के अंदर तो नहीं पर बाहर से, और फिर जब मुझे संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो मैंने सचिव, वित्तीय सचिव से, हिमाचल प्रदेश के वित्तीय सचिव से पूछा और अन्य अधिकारियों से कि आप राज्य की प्रति व्यक्ति आय देते हैं, दर्शाते हैं। इसके पहले जो इकोनॉमिक सर्वे होता था और जो बजट प्रस्तुत होता था उसमें आप जिला बार, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आप पर कैपिटा इनकम दर्शाते थे। तो कृपा करके मुझे बताइएगा कि ये जो आपने पहले प्रति व्यक्ति आय दिखाई उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज कितनी बनती है, 12 जिले हैं इनकी बताइएगा। तो उन्होंने कहा साहब ये संभव नहीं है आजकल, पहले दिखाते थे 2011-12 तक थे शायद दिखाते गए, और वो जो मेरे पास सूचना आई, आंकड़े जो आए उसमें सबसे अचंभे की बात ये थी कि कांगड़ा जो सबसे बड़ा जिला हिमाचल प्रदेश में है वो सबसे निचली श्रेणी में पहुंच गया था प्रति व्यक्ति आय में। कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और शायद चंबा, अगर ये 4 जिले आप निचले क्षेत्र के मिलाएं तो इनमें हमारे पास कमाने के साधन तकरीबन खत्म ही हो चुके हैं। ऊपरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय बहुत बड़ी है क्योंकि उनकी आमदन जो है, व्यवसाय जो है, फल उत्पादन के ऊपर निर्धारित है, आधार उनका है,
और कमाई है। हम तो मैंने दर्शाई कि इन्होंने खुद माना है इकोनॉमिक सर्वे में जो प्रस्तुत की वर्तमान मुख्यमंत्री ने कि एग्रीकल्चर जो है कृषि क्षेत्र जो है सबसे बड़ा व्यवसाय हमारे लिए होता था, लेकिन यहां तो सिंचाई के लिए पानी ही नहीं है। मैंने ये भी कहा कि अगर आप पानी ब्यास नदी का जो पहले कांगड़ा के जो फार्मर थे कृषक थे उसका इस्तेमाल किया करते थे, आपने दो डैम बना दिए, एक पंडो मंडी में जिसका पानी निकाल के आप सतलुज के साथ मिला के आपने ब्यास सतलुज लिंक बना दी, वो भी दूसरे राज्यों को भेज दिया, और एक आपने यहाँ पोंग डैम बना दिया, उसके आपने ऊपर एक नहर बनाकर हिमाचल का पानी राजस्थान को हरा भरा करने के लिए आबाद करने के लिए भेज दिया। हम क्या करेंगे कांगड़ा के लोग, आज सूखा पड़ा है, हमारी नदी नाले सूख गए, खड्डे सूख गई, कूलें सूख गई, तो हमारे पास ये कहाँ, अगर हम कृषक प्रधान अगर है तो अब हमारे पास कृषि एक व्यवसाय नहीं रहा। दूसरा इन्होंने खुद माना है इसी रिपोर्ट में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में औद्योगिकरण नहीं हुआ है, कोई हमारा आधार नहीं है, बेस नहीं है, इंडस्ट्रियल बेस नहीं है। ये अगर आप मानते हैं तो फिर आप बताइएगा यहाँ का नौजवान, यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक कहाँ जाएगी पैसा कमाने के लिए, आखिर का दो वक्त की रोटी तो कमानी है ना। तो ये सारे वायदे जो पहले किए गए कि जी कोई हमने क्षेत्रीय को असंतुलन नहीं रखा, एक ही नजर से देखते हैं, समान विकास होगा, गलत। वीरभद्र सिंह ने धोखा किया बहुत निचले क्षेत्र के साथ, मैं पहले भी बोलता रहा, इसलिए वो मुझे माफक, मैं उनको माफक नहीं आता था, लेकिन वो राजनीतिक लड़ाई लड़ी हमने कि यहाँ इसका हमारे निचले क्षेत्र का कुछ ना कुछ तो भविष्य बने। आज बच्चे हमारे पढ़ लिख गए, पहले हम आवाज उठाते थे कि हमें शिक्षा संस्थाएं नहीं है, आज हमारे पास स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज प्राइवेट यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज और हमारे पास इंजीनियरिंग और टेक्निकल इंस्टीट्यूट सब कुछ है, लेकिन रोजगार हमारे पास नहीं।